जय जसमा जी के मित्रों, जय सगर महाराज जी, जय ठाकुर जी को। आज वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में आने का अवसर मिला है। देखें कि तमाम हमारे साथी आज हमारे समाज के रत्न, जो आज से एक वर्ष पहले आज ही के दिन जिनका स्वर्गवास हो गया था, भाई विकास और एक नाम संवेदन, बिल्कुल ही प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक मिलनसार व्यक्ति थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आज उनकी स्मृति में आज बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे समाज के रक्त वीरों ने पहुँच कर उनके जो मित्र थे, विकास भाई के जो मित्र थे, अनुज थे, सका थे, कृष्ण सुदामा जैसी जोड़ी थी, आज वो सारे के सारे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये ठाना कि विकास भाई को हम मरने नहीं देंगे, उनको दिलों में जिंदा रखेंगे और हर एक व्यक्ति के दिल में हम जिंदा रखेंगे। इसी प्रेरणाओं के साथ आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, रक्तदान महादान का आयोजन किया जा रहा है। सामने देखेंगे आप, यहाँ पर बैनर जो है वो विकास भाई का लगाया गया, प्रतिमा तस्वीर पे माला चढ़ाए गए हैं। हमारे साथ में आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब हीरालाल जी हमारे बीच में हैं। और हीरालाल जी, बड़े भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, ये आज हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में हमारा समाज बहता जा रहा है, हम पता नहीं कहाँ चले गए, हम क्षत्रिय हैं, हम अपना वजूद ही खोते जा रहे हैं, क्या देखते हैं आप समाज में? समाज में पिछले स्तर पर सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ, भारत माता की जय, जैसा माता की जय। ये कि समाज में कुछ समय आता है, एक डाउनफॉल आता है, मतलब नीचे गिरने का समय आता है, और अभी अपना जो समय है वो अच्छा चल रहा है, मतलब ऊपर ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो हम सभी मिलकर समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे रक्तदान शिविर चल रहा है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसे शिविर आयोजन होना चाहिए ताकि हमारे विकास भाई को शांति मिले और किसी भी ज़रूरतमंद रक्तदाता देने वालों को अपन जरूरत उनकी पूरी कर सके, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई सभी रक्तदान करें और इस कार्य को आगे, जो ये कार्यक्रम है रक्तदान का, इसको पूर्ण बनाए। समाज को ये है कि अपन प्रयास करेंगे, समाज अगर हमारे युवा होगा हाथ में, हम एक दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे, ये वो काम कर रहा है करेगा तो हम करेंगे, हमको स्वयं को पहल करनी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमको स्वयं को पहल करनी है। जो कोई पहल करे, चाहे गोयन जी पहल कर रहे हैं, तो हमें समय हमारी सभी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको सहयोग दें, और चाहे मैं पहल कर रहा हूँ या कोई भी दूसरा व्यक्ति पहल कर रहा है, पहल अच्छा है, काम अच्छा होना चाहिए, ये काम अच्छा होना चाहिए ना, उसको सबको सहयोग देना चाहिए। और काम वैसे कोई भी पहल करेगा, समाज काम तो अच्छा ही होगा, वो काम तो पूरा होता ही नहीं, चाहे किसी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, खेलकूद में हो, रक्तदान शिविर चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी काम अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद जी, बात क्लियर नहीं हुई है। बात ये है कि हम किस विचारधारा में जा रहे हैं, हम अपने ही परिवार के आपसी झगड़ों में हम पूरे समाज को घेर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम रंजी सकते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, वही जगह आगे चलकर बड़ी बड़ा स्वरूप ले लेती है, और एक परिवार का झगड़ा अनेकों परिवारों में वो बिखर जाता है, बढ़ जाता है। अगर आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो इसके दुष्परिणाम इतने जबरदस्त हावी होंगे, आप क्या देखते हैं? ये भी सही है बात, लेकिन ये अपनी सबकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, किसी बात को अगर किसी के झगड़ा करे या नहीं करे, तो हम किसी को बड़ा इशू बनाए या किसी को अपने स्तर पर निपट ले या किसी कुछ करे ही नहीं, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। और इसके लिए सबसे बड़ी मैं यही मानता हूँ, शिक्षा की कमी की वजह से ये होता है, हम एक दूसरे से हमारे समाज में कि हम दूसरों की खुशी पर हम चलते हैं, तो खुद के दुख से, खुद के सुख से अपन सुखी नहीं रहे, दूसरों के सुख से हम दुखी है, ये मेन ये कारण है। तो हमको ये नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और समाज में छोटी बातें तो एक परिवार में रहते, छोटी बातें होती है, समाज भी एक परिवार ही है, तो हमको सभी को मिलकर के समाधान निकालना चाहिए, और ना झगड़ा करेंगे तो नुकसान अपने ही है और किसी का नुकसान है। भाई गोविंद जी ने हम दोनों ने किसी बात पर इशू हो गया तो हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं, इसके लिए भाई गोविंद जी आपकी क्या बात है, मेरी क्या बात है, बैठ के बातचीत करो ना। हम क्या है गोविंद जी, फॉर एग्जाम्पल
कम्युनिकेशन बाद हमारे कुछ मतभेद हो गए तो हम दूसरे आदमी को कहेंगे तो मतभेद बढ़ाएगा तो कहेंगे और मतभेद बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा हम दोनों ही मिलकर बात कर रहे हैं। ये करना क्या बात हुई, मध्य राम ने सामने बात करो ना, जो भी बात करनी हो। इसके मुझे तो ये बताइए, खाली हमारा शत्रु कौन है? आप गुरु हैं, आप गुरु हैं तो आप हमारे शत्रु जी बताएंगे? शत्रु जी नहीं, मैं नहीं, आप हमारे गुरु हैं, हमारे हमारे सबसे अपना क्रोध से अपना शत्रु। हाँ ये बात, क्रोध है अपना, गुस्सा है और ये तो ही है, इसके अलावा और भी तो नशा मुझे लगता है हमारा शत्रु है। नशा भी है, मैं भी मानता हूँ नशा शत्रु है, क्योंकि अपन किसी भी चीज़ का नशा करेंगे तो शरीर में साइड इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। आप चाहे खाने का भी साइड इफेक्ट डालो, आप ज़्यादा खाना खाना कोई साइड इफेक्ट होगा तो नशे का भी होता है। शत्रु नशा, शत्रु नशा है बिल्कुल आपका। और हमारे क्रोध, क्रोध भी हमारा, कहते हैं कि जो क्रोध करता है उसके 12 बोतल बराबर नशा होता है। उन सबको संयम बरत के काम लेना चाहिए और संयम से ही, मैं तो ये मानता हूँ जब तक अपन शांति प्रिय नहीं होंगे तब तक आप न तो हम आगे बढ़ पाएंगे और न किसी दूसरे को आगे बढ़ा देंगे। तो हमको ये शांति प्रिय रहना चाहिए और संयम, जीवन में संयम बहुत जरूरी है। अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो किसी को अपने खुद भी नुकसान कर पाएंगे। देखिए हीरालाल जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति के भाव अच्छे होते हैं, व्यक्ति के दिल साफ होता है, आज आप जो काम कर रहे हैं, आप हमारे गुरु भी हैं, आप शिक्षक भी हैं, लेकिन ये समाज में आप कितना समन्वय बना सकते हैं, आप कितना समाज के प्रति आदर आज्ञावान कर सकते हैं, कितनी चीज खजाना आपके पास जो विद्या का खजाना है, कितना समाज को लुटा सकते हैं? जितना लुटाएंगे मुझे लगता है कि खजाना तीव्रता के प्रति से बढ़ता जाएगा और यही प्रेम की दौलत आगे चलकर हमें एक महापुरुष का किरदार जो है वो हमें प्रदान करेगी, लेकिन उसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। संघर्ष करने की, मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया का सबसे कठिन काम है परिवर्तन, परिवर्तन वो भी समाज में, दुनिया का शायद ये सबसे कठिन काम है परिवर्तन। चाहे भले मैं करूँ या कोई भी करे, गोविंद जी करे, कोई भी करे समाज का व्यक्ति, तो उसको संघर्ष करना ही है। चाहे कोई बात हो, क्योंकि अपन कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो अपन अपने विचारों को सभी को बताते हैं, कोई अपनी मंशा तो ये है कि जैसे मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ तो मेरी मंशा ये है कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट, लेकिन कोई सोच रहे हैं कि ये तो इसका खुद का ही नाम ऊँचा कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो बातें अंदर कम चलती रहती है, उनका कोई तोल नहीं है, महत्व नहीं है, वो इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं चीज़ें। हमारा तो लक्ष्य, हमारा लक्ष्य हमें पता है कि हमारा लक्ष्य ये है कि टूर्नामेंट कराना, और गोविंद जी का अगर उनका भी कोई लक्ष्य है तो अच्छा ही होगा, वो भी करना, वो भी समाज का लक्ष्य होगा। हम नई शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम इनकी नई शुरुआत है। मेवाड़ में आज शोभा जी की बात है कि हमारे समाज में टूर्नामेंट हो रहे हैं और हम सभी लोग इसमें खेल रहे हैं, हम सभी ये टूर्नामेंट एक क्रिकेट नहीं है, समाज के मिलन का माध्यम है। पहले हम समाज मध्यम भोज में मिलते थे, पहले हम कहीं नेत्र या दीवा मिलते थे, एक नया माध्यम बनाया समाज में, आधुनिक तरीका बनाया मिल सके। इसके अलावा मेरा विचार है कि जैसे कि अब जैसे टूर्नामेंट सफल आयोजित हो जाएगा, उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि शिक्षा में थोड़ी प्रगति हो, इसके लिए हम 10वीं 12वीं उनको हम लोग प्रोत्साहन दे सके, मोटिवेशन दे सके, प्रोत्साहन दे सके, मोटिवेशन दे सके, ताकि समाज में शिक्षा बढ़े। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है, आने वाले समय में और भी नई एक क्रांति निकल के यहाँ से वीरभूमि से आएगी। लगातार आप देखते हैं कि वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के युवा हैं जो बड़ी बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं और हमारे बीच में देखिए पवन जी भी आए हैं और रक्तदान के इस महापर्व पर आप सभी सम्मिलित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथी। दो शब्द बोल दो शब्द।